सो हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे के सारे। आज अपन फिर से आ चुके हैं GTA 5 की सीरीज़ के अगले एपिसोड में। जो मेरा ऑफिस है वो पहले वुडन था, उस ऑफिस का पूरा रिनोवेशन किया हुआ है। अभी उसमें थोड़ा सा पत्थर वगैरह लगवाए हुए हैं, टाइल्स लगवाए हुए हैं, क्योंकि पहले जो वुडन फील था वो थोड़ा सा उसमें बोर हो चुके थे। ठीक है, तो इसमें जो भी इंटीरियर है वो चेंज हुआ है, वॉल्स वो चेंज हुए हैं, जो भी अपना फर्नीचर था वो सारे के सारे चेंज हुए हैं। सुबह होते ही सबसे जल्दी हमको पहले अपनी गाड़ी के सारे शीशे काले करवाने हैं, क्योंकि अभी अपने पे ख़तरा बहुत हो चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम पे ये अपने कन्नू भाई ने एक चिंटू नाम के बंदे को मारा था, जो कि पहले उनका मैकेनिक था। ठीक है, तो उससे फाइट हुई थी। तो चिंटू का एक भाई है मिंटू, तो ये दोनों ही मैकेनिक हैं वैसे तो। तो अभी फटाफट से पहले हम आपको इसका टूर देते हैं अपने ऑफिस का, उसके बाद में हम गाड़ी के शीशे काले करवाएंगे, उसके बाद में हम कन्नू भाई को ढूंढेंगे वो कहाँ पे अवेलेबल है शहर में, अभी उनके पास जाएंगे। इन सब के बाद में उनको लेके फाइट करेंगे सारे बंदों से, सारे बंदों को मारेंगे, उसके बाद में चिंटू मिंटू को आज ख़त्म कर देना है। ऑफिस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुले घूम नहीं पा रहे हैं, उनको ख़त्म करना है, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो पहले अभी फटाफट से आपको दिखाते हैं अपना इंटीरियर ऑफिस का। ये जो टेबल है इसकी, पहले थोड़ी अलग थी, ये वॉल वगैरह देखो, देख पा रहे हो, काफ़ी मतलब एकदम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये टेबल देखो, ये काफ़ी डिज़ाइन में आ गई। सोफे वाले यहाँ पे बिल्कुल सिंपल थे, थोड़े सोफे भी डिज़ाइन वाले हो चुके हैं। ठीक है, सामने का काफ़ी लुक चेंज हुआ है। ऊपर देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन बन चुकी है लाइट्स वाली। ठीक है, इसके बाद में आगे चल के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी थी, टेबल पड़ी थी, वो सब तो सेम है, बट टेबल चेंज हुई है, ये कांच की आई हुई है। मैप तो एज इट इज़ वैसा का वैसा है। इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। फिर ये सब देख पा रहे हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज किया, पूरा ही चेंज हुआ है इंटीरियर, पूरा फर्नीचर पूरा, और लाइट्स पूरी चेंज हुई। यहाँ के देखो जो शीशे हैं ये चेंज हुए हैं। जो हमने कल 3 गाड़ियाँ उठवाई थी, उन गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं, बट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ चिंटू और मिंटू की वजह से। उन लोगों ने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि हर चौराहे पर लगभग बंदे ही बंदे उन्होंने बुलवा रखे हैं, गैंग्स ही गैंग्स। ठीक है, तो अभी सब पहले गैंग्स को ख़त्म करना है, फिर चिंटू मिंटू को ख़त्म करना है, और फिर इसी एपिसोड में हमें गाड़ी भी डिलीवर करके आनी है तीनों। ठीक है, इसके बाद में फिर हमें आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से निकलते हैं, हमारी जो गाड़ी है बाहर खड़ी हुई है उसको पहले शीशे से हम सारे काले करवाएंगे, उसके बाद में हम फिर मिलते हैं आपसे सीधा। यार ये असिस्टेंट बहुत बोलती है, पता नहीं क्या खा के आती है। सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं बाहर ऑफिस के, और यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी है। ये सुबह होने ही वाली है ऑलमोस्ट, ये काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शहर के मैकेनिक हैं ये चिंटू मिंटू, ये तो दोनों दुश्मन हैं अपने, तो उनसे तो काम करवा नहीं सकते। तो हमको जाना पड़ेगा अभी इस साइड पे, तो काफ़ी दूर है ये, धूप भी निकल आई है, सुबह उजाला हो चुका है, और बहुत ही जल्दी जितना जल्दी हो सकता है पहुँचना है, वापस भी आना है। और आज की रात बिल्कुल भी नहीं सो पाए हैं, क्योंकि पहले ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा था, उसके बाद में अभी गाड़ी के शीशे के लिए बहुत दूर जाना है, 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर आना है, उसके बाद में फिर बहुत से काम करने हैं अभी। क्योंकि अगर सुकून से ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए पहले हमको अपने दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अभी मिलते हैं आपसे। ये सामने ऑटो रिपेयर्स है। What brings you in today? पहले तो रिपेयर करवाना है, $100 देके, इसके बाद में हमको अपने जो विंडोज़ है उन्हें ब्लैक करवा लिया है, ताकि कोई भी बाहर से जल्दी देख के पहचान ना पाए। सो गाइस, अभी शीशे काले हो चुके हैं और अभी अपन निकलते हैं यहाँ से वापस से सिटी के लिए। धुंधला सा मौसम हो चुका है, फॉग टाइप का। ठीक है, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:54, यानी कि ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। कन्नू भाई से पहले कॉन्टेक्ट करना है कि वो कहाँ मिलेंगे, सुबह हो चुकी है, वो जाग चुके हैं कि नहीं जागे, अभी क्या कर रहे हैं, शहर में हैं या कहीं बाहर हैं। उसके बाद में फिर चिंटू मिंटू का जो ऑटो शॉप है या उनका जो रिपेयरिंग की जो भी है अपनी दुकान वेयर हाउस है, वो जैसे ही खुलेगी अटैक कर देंगे दोनों मिलके। तो इन दोनों को पहले पूरा ख़त्म करना है, और उसके पहले उनकी जितने भी गैंग के बंदे हैं पहले उनको ख़त्म करना है, क्योंकि गैंग के पास हमारी लोकेशन, हमारी सारी चीज़ें हैं, हमारे हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो पहले गैंग ख़त्म करनी है, उसके बाद में चिंटू मिंटू को ख़त्म करना है। तो कैसे भी हमारी बात हो चुकी है कन्नू भैया से, और वो अभी शहर में हैं और उनकी लोकेशन मिल चुकी है, वो अपने घर पे हैं अभी तो फ़िलहाल, सो के उठे हैं, जो भी कर रहे होंगे हमें नहीं पता, करने वालों का क्या पता क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अपन उनके घर पहुंच के फटाफट से उनको उठाएंगे, उनको उठा के निकलते हैं गैंग फाइट के लिए। जितने भी गैंग के बंदे सबको ख़त्म करना है पहले, 3-4 जगह पे उनके गैंग के बंदे हैं, वो लोग हम पे अटैक करें उससे पहले हम ही उन पे अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इतनी सुबह सुबह उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम लोग उन पे अटैक करने आने वाले हैं। तो अभी बस ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं कन्नू भाई के घर पे, और ये कन्नू भाई ने जो घर भी जहाँ पे भी लिया, बहुत ही अच्छी जगह घर है, उन्होंने हमें फ़ोटो भेजी थी यहाँ के लोकेशन की, देख रहे हो भाई, एकदम पहाड़ी इलाका, अगल बगल ऊंचे ऊंचे घर,
रोडें बिल्कुल जैसे नैनीताल में और मनाली में रहती हैं वैसी रोडें हैं। ओए होए होए क्या घर है इनका। क्या गाड़ी है ऐसी, ये गाड़ी क्यों, हमें इसका पता नहीं, पूछना पड़ेगा पहले। तो चलो इनकी रिंग करते हैं बेल। चलो इन्होंने हमें गेट खोल दिया, हम अंदर जा चुके हैं ऑलमोस्ट। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। अरे कन्नू भाई साहब क्या हाल चाल, कैसे हो अरे हम बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है। भाई। बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, पहले हमको ये थोड़ा पीने दो। और एक काम करो फटाफट से, आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या प्लान था आपका, अरे गाड़ी अभी वाड़ी बाहर ना, खड़ी, सर्फिंग करने जा रहे थे क्या आज बीच बीच पे। अरे नहीं, हमने करेले का जूस पिया था अभी, कल करके आए थे सब सर्फिंग, तो पेट थोड़ा खराब हो गया था। वाह, तो करेले के जूस से क्या मतलब सब निकल जाता है ऐसा, जो भी खराब चीज़ें हैं वो सब। हाँ, वही वही। नाइस, चलो एनीवेज एक और हम पहले पीते हैं, थोड़ा वाइन का एक गिलास एक बैग, और इसके बाद अभी निकलने वाले हैं। और अभी सुनो, पहले एक काम करो, पहले फटाफट से जो भी उन लोगों ने अपनी गैंग को रेडी किया हुआ है इनको पहले ख़त्म करना है। तो कैसे करना है ये बताओ, पूरा प्लान दो। आपको जितनी भी गैंग्स उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, आपको किस किस का मतलब अभी इन्फॉर्मेशन आई है, मतलब जितने भी गैंग्स के लोकेशन सब मिल चुकी है आपको। हाँ, मतलब लगभग आइडिया है मेरे को। पहले ठीक तो है। वहीं लड़ाई हो गई जहाँ पिछली बार हुई थी, वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हमने तगड़ा बैकअप बुलाया, पिछली बार तुमने बताया नहीं, तो हमने बोल दिया इस बार हम बता के आ रहे हैं, जो कर पाओ कर लो। ओके सो गाइस, चलो अभी कन्नू भैया आ चुके हैं वापस रेडी होके, सब कुछ गन वन लेके, वेस्ट वेस्ट पहन के। तो अभी अपन निकलते हैं यहाँ से यार, हमको आप क्यों नशे हो जल्दी रहे हैं, जाओ, बहुत गंदे, बहुत गंदे नशे। आओ बैठो, मैं चलाता हूँ। हाँ, आप चलो। आराम से चलना गाड़ी, बिल्कुल मतलब कांच टूटे ना राइट वाइट का, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी अभी इसके शीशे काले करवाए हैं तो फिर दिक्कत ना आए। और लोकेशन देख लो अपने हिसाब से, जहाँ पे भी वो बंदे रहते हैं गैंग वाले, उनको उन्हीं के अड्डे पे पहले पेलने चलते हैं। आपका वेयर हाउस किधर है? टाइम हो रहा है 11:17, 11:18। अच्छा मेरे वेयर हाउस वेयर की हाउस लोकेशन दी गई थी क्या, चलो हमने मार्क लगा दिया मेरे वेयर हाउस का। सो गाइज अभी अपन निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, उनसे फाइट लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे पास कौन कौन सी गन है, ठीक है SMG है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा SMG है जो कि गाड़ी में बैठ के चलेगी, बाकी सब हमारी बाहर से चलेंगी। शाबाश, क्या गाड़ी ठोकी है। अरे गाड़ी नहीं ठुकी। ठीक है, तो ठुकी थी, ठुकी थी। रुक जवाब, रोक दो, लगता है आपको इस गाड़ी के ज़रा आइडिया नहीं, हमें दे दो गाड़ी। तो अभी गाइज थोड़ा नशा हमारा कम हो चुका है, प्लस गाड़ी हम चला रहे हैं फिलहाल के लिए, और आप जल्दी बैठो। और अभी लोकेशन पर पहुंचते हैं, वहां पे फाइट लेने के पहले आपसे मिलते हैं। तो गाइज लोकेशन इनको मिली थी, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यहीं की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, तो ये देखो ये खड़े बंदे, यही है ना उनके। ये देखो ना, और सर पे सिगरेट पी रहे हैं, हाँ सामने हाँ खड़े हैं एक ब्लॉक पे, एक लेफ्ट में देखो खड़े हुए दो, पीला और काला, ऊपर ऊपर एक ऊपर वाइट। पीला। अरे अरे हाँ अरे, हाँ गाड़ी अभी तो रुक आने जाओ, में अभी ऐसा रुके लग रहना, रहा अभी है। रुके रहना, काले शीशे देख नहीं पाएंगे वो लोग। हाँ दो ये खड़े हुए, कितने बंदे पहले एक बारी देख लेते हैं। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, अरे देखे तो बाप पूरा रे पूरा बाप, पूरा बाप रे पूरा बाप, दो बंदे ये खड़े हैं, तीन बंदे ये खड़े हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात, देख रहे हो, लग रहा डाउट हो गया तो इनको, पी चिल्ला आर रहे हैं नहीं ये लोग चला थोड़े था। से। हाँ हाँ, हाँ देखो ना, पूरी वैन वैन खड़ी है, लाल वैन, वाइट वैन, पीछे आपका वाला स्कूटर, मतलब कोई गरीब भी इनमें से एक है स्कूटर वाला। नहीं अरे आपको गाड़ी नहीं, हम गाड़ी गरीब बोल छुपा रहे दो, हैं। गाड़ी छुपा दो, आगे जाके रुको रुको, लेफ्ट पे, लेफ्ट पार्किंग जो है इनके बोर्ड के पीछे। आ जाओ अरे वो उधर भाग से, गया, निकल जाओगे इन्फॉर्मर इधर से। इन्फॉर्मर भाग गया, इन्फॉर्मर भाग अरे गया, अरे इन्फॉर्मर अरे भाग अरे गया। अरे 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 अरे, मर गया मर गया मर गया। सप्रेसर लगी किसी स्नाइपर में आपके, लगा है मेरे में तो। अरे अरे, ये बच गया। कौन बच गया, अरे फिर से भाग रहा है क्या, डेड ना। हाँ बच चुका है, सामने चिंटू के बंदे खड़े हैं। कवर लेके, ओपन नहीं, ओपन नहीं, ओपन नहीं, पेड़ के कवर में रह के। ये दो बंदे आगे खड़े हुए, तीन बंदे यहाँ खड़े हुए हैं, आपको तीन बंदे दिख रहे हैं। अरे इजी इजी फायर मत दो, अरे भाई साहब क्या करवा दिए।
ओ मेरे को डैमेज हो रहा है, कोई गोली मार रहा है। अरे पुलिस बुला ली चिंटू ने, भागो ऐसे भी, अभी निकलते हैं बाद में देखेंगे इनको। निकलो 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 एक कोई निकलो मेरे निकलो आसपास है। निकलो अभी निकलो अभी निकलो, पुलिस आ रही है पुलिस आ ये रही मिल गया। चलो तो इसको खर्चा दे दिया। गाड़ी रेडी करो, गाड़ी रेडी करो, गाड़ी 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 गाड़ी। अभी कितने बंदे बचे इनके ये बता दो। देखो चार पांच। पुलिस किधर नहीं है उधर ही, पहले चलते हैं उनको पहल के निकलते हैं यहाँ से। भाई ये तो बंदे आए जा रहे हैं यार। गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ से निकलने के लिए जैसे प्लान किया वैसे ही इनकी एक और गैंग आई किसी के थ्रू, पता नहीं कैसे। ठीक है, बट बहुत सारे बंदे आ गए वापस से। एक यहाँ पे था, ठीक है नाइस। बाकी सब पीछे वाली रोड पे हैं। गाड़ी गाइस अपनी इस गैराज में खड़ी हुई है, जिस किसी का भी गैराज। अब मेरे को पड़ी, मेरे को पड़ी, मैं गिर गया गलती से। चलो आपके पीछे में खर्चा है किसको दिया, नाइस। पुलिस भी आ चुकी है अपने पास। ओके सॉरी, एम्बुलेंस है। चिंटू ने अपने मामा को फोन कर दिया डीएसपी को। क्या बात कर रहे हो, हाँ सेकंड वो लोकेशन निशान पर जरा मार रहा मार्क था। देना। हाँ वहाँ पे जहाँ भी आपको इन्फॉर्म आई हुई है, इन्फॉर्मेशन आई हुई है, फटाफट। अब गाइज हम लोगों के लिए एक दिक्कत आ चुकी है कि जब तक ये गैंग वाले ख़त्म नहीं होते तब तक हम लोग एक जगह रुक नहीं सकते। जैसे अगर कोई बात करनी तो रुक के नहीं, चलते रहना पड़ेगा, ताकि ये लोग फिर कभी भी कहीं पे भी अटैक करने में थोड़ा इनको इजी ना रहे। सो गाइज अभी अपन पहुंचने वाले हैं ये फोर्ट जेनकिडो, जहाँ पे कि ये राम रहीम नाम का जो भी बंदा है, ठीक है, ये गैंगस्टर था पहले और अभी थोड़ा पुलिस पुलिस में है जो भी है। इसने एक अपनी पर्सनली मिलिट्री बनाई हुई है, लाइक जो कि मिलिट्री सिर्फ राम रहीम के लिए काम करती है, रियल पुलिस के लिए नहीं, ठीक है। सो अभी ये दिख रहा है फोर्ट जेनकिडो, बोर्ड में आप देख पा रहे हो आगे से राइट। सो अभी इधर ही जाना है। और ये देखो आप गाइस प्लेन देख रहे हो ऊपर, जेट प्लेन बनाए हुए हैं एकदम उड़ते उड़ते, तीन तीन प्लेन, ठीक है। तो अभी अपन इधर ही से सामने से चलते हैं और अंदर एंटर होने के बाद में यहाँ के जो बंदे हैं इनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। गाइस अभी अपन, वो मर गया ना, बाप रे। गाइस ये गैंग देख पा रहे हो, मिलिट्री की ड्रेस में पूरी गैंग घूम रही है इनकी। तो एक कोई जिंदा है पीछे, मरा हुआ लेटा हुआ मार रहा है। हाँ नाइस, लेफ्ट से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही, कुछ तो आ रहा है। अंदर लो राम रहीम को मारना बहुत जरूरी है। राम रहीम मेन टावर में कितने बंदे हैं इसमें, तो बहुत बहुत सारे। मेन टावर में लो, राइट में देखो दिख रहा होगा, उधर ही जाना है हमको। राइट में किधर, उधर लो मेन टावर सामने ऊंचा से दिख रहा है। हाँ हाँ देखा देखा, सीधा इधर से गेट है, कहाँ से गेट है। यहीं से यहीं चले भाई, पहली बार आया हूँ उधर, मेरे को भी नहीं पता चलता। चलो तो जाली टूट गई है यहाँ की। अरे जाली और तोड़नी पड़ेगी क्या, नाइस। अभी किधर, पीछे से लेफ्ट, पीछे से लेफ्ट। क्या ब्लास्ट कर रहे हो भाई, ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। लेफ्ट हो, लेफ्ट हो, आगे से इधर से कि आगे से। कहीं से भी निकल सकती है, गाड़ी निकल उधर से। हाँ हाँ लेफ्ट लिया, बस इधर ये नीचे रास्ता है क्या। नीचे गेट है। हाँ चलो हेलीकॉप्टर हाँ भी आ गया राम रहीम का। निकलो निकलो निकलो, फटाफट से घुसो अंदर, गेट बंद है अंदर, तो लॉक है गेट। वापस से गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलते हैं पहले उधर फटाफट से से, क्योंकि एंट्री हम होगी उधर काफ़ी से डैमेज एंट्री हो। होगी। लॉक है ये भी, राम रहीम को पता चल गया हम आ गए हैं। मेरे को गोली ओ लग सब गई है, लॉक कर लिया। जल्दी बैठो फटाफट से, बैठो 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 बैठो। मेरे को गोली लग गई है, चलते हैं हॉस्पिटल। चलो हॉस्पिटल, मैप में मार्क लगाओ जरा बाहर निकलने का पहले फटाफट से। आई होप सो इधर ही से है रास्ता। टूटा
तो गाइस अभी कन्नू भाई को बहुत गंदी गोलियां पड़ चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि जब ये गाड़ी से निकल के जा रहे थे। इधर सीधा 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 इधर ही आ गए सीधा। ना? हाँ हाँ ओके ओके ओके। हाँ तो जब कानू भाई निकल के बिल्डिंग में घुसने के लिए गाड़ी से निकले थे तो इनको बहुत गंदी गोलियां पड़ चुकी हैं, तो अभी ये बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, तो अभी फटाफट यहाँ से पहले निकलना पड़ेगा अपने को। और बाप रे, ये तो बड़ा दिक्कत दे रहे हैं यार। देख रहे हो गाइस, यहाँ पुलिस नहीं आ रही है, रियल पुलिस नाम की कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। जो भी दिख रहे हैं सारे के सारे मिलिट्री में अंदर जो भी बंदे हैं वो सब दिख रहे हैं। और अब अपन यहाँ से निकल के पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल, क्योंकि इनको गोलियाँ पड़ी हुई हैं, कन्नू भाई को इनकी गोलियाँ निकलवानी है, इनका पूरा इलाज होना है। तो अभी बहुत गंदी तरीके से गाड़ी भगा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि जल्दी चलो वो पीछे ब्लीड भाई। आउट हो रहे हैं, तो हमें बहुत तेज़ भगानी पड़ेगी गाड़ी। और जितना भगा सकते हैं पूरी जी जान लगा के भगाएंगे और पहुंचाएंगे इनको हॉस्पिटल। सो गाइस अभी अपन भगते भगते और बंदों को मारते मारते यहाँ पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल के पास में, और अभी हॉस्पिटल पे इनको छोड़ना है, इनके बहुत सी गोलियाँ लग चुकी हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए भैया जाओ आप जल्दी से जाओ डॉक्टर के पास, और जो भी दिक्कत है वो करवाओ। हम ज़रा एक बारी मतलब घूमते हैं यहाँ पे, एक जगह रुकेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है? और जब आपका हो जाए तो बताना। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते कहीं पे भी एक जगह, क्योंकि कोई भी गैंग आके हमें फिर से अटैक कर सकती है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से और अभी जैसे तैसे बच पाए हैं, और इनको भी गोलियाँ पड़ी, ये ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे बट इनको निकाल दिया वहाँ से। बाप रे, ये क्या है? आई थिंक ये कोई गैंग के बंदे आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर से हमें निकलना पड़ेगा अभी यहाँ से फटाफट से, और अभी यहाँ से निकल के कहाँ जाएँ, क्या करें। बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे इनके बंदों ने फिर से दौड़ा लिया, हेलीकॉप्टर से आए हैं इस बारी। वटो 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 वटो। और अभी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कन्नू भाई से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिट है हॉस्पिटल में। सो अभी उनसे भी कोई हेल्प ले नहीं सकते, शहर में कोई और अवेलेबल नहीं है, पूरी गैंग पीछे पड़ चुकी है अभी गंदी तरीके से। क्या कर सकते हैं, गाड़ी रिपेयर करवानी होगी तो वो भी दूर जाना पड़ेगा। शहर में जो भी रिपेयर करने वाले मैकेनिक उनसे फाइट हो रखी है, और कैसे क्या करें कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी 1%। सो गाइस अभी अपन को कोई आइडिया नहीं लग पा रहा क्या करना चाहिए, बट एक आइडिया जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि यहाँ से अगर हम किसी टनल में, बाप रे क्या गोलियाँ, एक बहुत ही प्यारा आइडिया मेरे मन में अभी अभी आया है कि किसी भी टनल में जाएंगे, ठीक है, और टनल में अपनी गाड़ी छोड़ के, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला है कि टनल के अंदर क्या हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी टनल में छोड़ देंगे और लोकल की गाड़ी लेके हम निकलेंगे टनल से अपने किसी भी वैसे एरिया में। और दिक्कत क्यों हो रही, सबसे बड़ी दिक्कत गाइस देख रहे हो क्या हुआ है, गाड़ी में जितने भी काले कांच थे सारे खुल चुके हैं। चलो गाइस आगे टनल आ चुकी है, टनल के अंदर हेली तो नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे कोई भी थोड़ी भागने वाली गाड़ी हमें चाहिए पहले तो। ठीक है गाड़ी मिल चुकी है भाई, प्लीज़ गाड़ी दे दे भाई, भाई मेरी ले जा भाई, ओ भाई मेरी ले जा भाई, जो छोड़ दे भाई, प्लीज़ छोड़ दे भाई, प्लीज़ थैंक यू मेरे भाई, भाई मेरी गाड़ी बहुत अच्छी लेके जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं तुमको, जाओ। वो अलग बात, तुमको हेली पेल देगा अभी थोड़ी देर बाद में फिर। सो गाइस अभी अपन ने ये किया हुआ है कि जो लोकल की गाड़ी है वो ले ली है और अपनी गाड़ी छोड़ दी है, और अभी हमको लोकल की तरह गाड़ी चलानी पड़ेगी जिससे कि डाउट ना हो हेलीकॉप्टर को कि हम लोकल हैं या फिर वही, ठीक है? तो जैसे ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं उनके पीछे पीछे निकलते हैं, और हेली शायद मेरे आगे निकल जाएगा एकदम अलग ढूंढता हुआ कि यहाँ इनमें से तो नहीं आगे निकल गया होगा। तो देखा जैसा हमने सोचा था कि हेलीकॉप्टर आगे निकल जाएगा, वो निकल के जा चुका है आगे, और वेरी नाइस है ये तो। ये टर्न ले रहा, रुको स्पीड कम करनी पड़ेगी नॉर्मल से। तो गाइज अभी बस बचना ही है थोड़ी सी देर के लिए, एक बारी बस ऑफिस तक पहुंच जाएं अपने या कोई घर तक, ऑफिस यहाँ से बहुत नज़दीक है तो हम सोच रहे हैं ऑफिस में ही निकल जाएं। और किधर गया है ली, पीछे उड़ रहा है सर, जल्दी से रेड लाइट खुल गई है। नहीं, को ठोकना मत, ठोकना मत, ठोकना मत, इतनी डाउट हो जाएगा उनको। सो अभी उन लोगों से बचते हुए हम लोग बहुत तेजी, क्या लोकल है भाई, रोड पे गाड़ी मोड़ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ तो अभी हेली किधर है, बाप रे ये तो आगे ही आ रहा है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें, बाप रे क्या बोलिए, डाउट हुआ है क्या?
छोड़ो, अपना ऑफिस आ चुका है, फटाक से वाले गाड़ी भगाते हैं, ऑफिस में अंदर घुसते हैं, गोली वोली ना पड़े उससे पहले ही घुस जाना है। स्प्रे देख रहे हो गाइस? सो गाइस अभी फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं, हम लोग मतलब हम अकेले आ चुके हैं ऑफिस में अपने, जहाँ पे अभी हम सिक्योर हैं। और इसके अलावा जो कन्नू भाई हैं वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, और ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर आया हुआ था ये पहली वाली गैंग का ही है। ये ब्लास्ट देख रहे हो गाइस, ये पूरी बिल्डिंग हिल रही है यहाँ पे, ठीक है? बट ये बिल्डिंग बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बाहर जो भी हो रहे धमाके अंदर नहीं हो सकता कुछ भी, तो अंदर हम पूरी तरीके से सेफ हैं। और जो भी दिक्कतें हैं वो सारी की दिक्कत, ग्रेट डे, हमको पता है कितना ग्रेट डे था ये हमारा, ठीक है गाइज? सो अभी कनु भाई एडमिट हो चुके हैं हॉस्पिटल में, उनको जैसे ही होश आएगा उनसे बात करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, कैसे भी करेंगे। और फिलहाल अभी अपन यहाँ पे अपने ऑफिस आ चुके हैं, बहुत थके हुए थे, सो अभी यहाँ पे सोना है, आराम करना है। बहुत तरीके से हमें भी दिक्कतें हो सकती थी, बट हम जैसे तैसे बचे रहे हैं वो हम जानते हैं। और अब इसके बाद में जैसे ही उनको होश आएगा उनको सब कुछ करवाना है, वापस से लेके आना है। अगले एपिसोड में कनु भाई के साथ में गैंग को फिर से मारने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस बार ट्राई करेंगे कि हम साथ में किसी और को भी ले लें, क्योंकि दो लोगों में काफ़ी दिक्कत आ रही है, हमारे और कनु भाई के साथ में होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर एक दो लोग और होंगे जो कि गैंग से फाइट ले सकते हैं हमारी साइड से, तो वो थोड़ा सा एक ईजी हो जाएगा। तो बस अब वेट करते हैं इनके ठीक होने का, और जितने दिन में भी ठीक होते हैं उसके बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।